राजधानी की दिल्ली सरकार ने विधायकों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी का फैसला लिया है। 3 अगस्त को लिए इस फैसले को जहां दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, वहीं अब नए फैसले के मुताबिक दिल्ली के विधायकों का वेतन वर्तमान वेतन से दोगुना हो जाएगा। दरअसल 2015 में दिल्ली सरकार ने राजधानी के विधायकों का वेतन अन्य प्रदेश के विधायकों के समान करने को लेकर केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था। इसे गृह मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी थी। उस वक्त केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ते के मामले में भारी कटौती करते हुए मामूली बढ़ोतरी की इजाजत के साथ कुछ सुझाव भी दिए थे। अब उन्हीं सुझावों के आधार पर दिल्ली कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। अगर हम विधायकों के वर्तमान वेतन की बात करें तो हर महीने 12,000 रुपए वैश्विक वेतन है, जिसमें विभिन्न भत्तों को मिलाकर यह 54,000 हो जाता है। वहीं दिल्ली कैबिनेट के नए फैसले के मुताबिक विधायकों को बेसिक वेतन 30,000, चुनाव क्षेत्र भत्ता 25,000, सचिवालय भत्ता 15,000, वाहन भत्ता 10,000 और टेलीफोन भत्ता 10,000 मिलेगा। अगर इन सभी भत्तों और बेसिक वेतन को जोड़ दें तो नया वेतन 90,000 होता है। वहीं वेतन बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार के विधायकों का कहना है कि दिल्ली अभी भी उन राज्यों में से एक है जो अपने विधायकों को सबसे कम वेतन और भत्ता देता है, जबकि भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी द्वारा शासित राज्य अपने विधायकों को बहुत अधिक वेतन प्रदान करते हैं। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है। पिछली बार 2011 में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी थी और अब 10 साल के बाद जब इतनी महंगाई हो गई है तब 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। और आज भी दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद पूरे देश में सबसे कम अगर किसी की तनख्वाह है तो वो दिल्ली के चुने हुए विधायक। अभी तक विधायकों को 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी और कुछ अलाउंसेस मिलते थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपना ऑफिस मेंटेन करने के लिए। और अब विधायकों की तनख्वाह 12,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। ये तनख्वाह भी पूरे देश भर में अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करने जाएं सबसे कम है। लेकिन 10 साल के बाद महंगाई को देखते हुए कुछ तनख्वाह बढ़ी है, इस बात का हम स्वागत करते हैं। ये बहुत जरूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को तनख्वाह ठीक से दी जाए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक बार विधायक चुन के आता है तो वो अपने बाकी सारी नौकरियां, काम धंधे इत्यादि छोड़ के आता है, इसलिए उनका भी घर का खर्चा चलने के लिए, उनकी भी रोजी रोटी चलने के लिए और उनको ईमानदारी से काम करने के लिए ठीक ठाक तनख्वाह, जिससे महंगाई के अनुसार उनका खर्चा चल सके, बहुत जरूरी है। जानकारी के मुताबिक 2011 के बाद यानी 10 साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि दिल्ली के विधायकों को अन्य राज्य की तरह हाउस किराया भत्ता, कार्यालय भत्ता और कर्मचारी खर्च इत्यादि नहीं प्रदान की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।